गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है और मैं भी एकदम तैयार हूं। मेरी सिमरन सवार हो चुकी है। मेरी सिमरन यानी भारत का, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का वोटर। आज इस सफर के साथ इसी की शुरुआत करेंगे, जानेंगे क्या कह रहा है भारतीय वोटर, जानेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के वोटर की क्या उम्मीदें हैं आने वाली सरकार से, किन मुद्दों पर वो वोट करने जा रहा है। दुनिया के चौथे सबसे बड़े रेल नेटवर्क के साथ सबसे बड़ा नेटवर्क मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और इस देश का सबसे बड़ा नेटवर्क, नेटवर्क 18 अब अपने वोटर के मानस को जानने के लिए निकल चुका है। तो शुरू करते हैं, गाड़ी बुला रही है। तो अब मेरी सवारी आ चुकी है, मैं इसमें सवार होऊंगा और भारतीय जनमानस साथ ही साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जो तमाम वोटर्स हैं उनके मिजाज को भांपने का सिलसिला अब हम शुरू करने जा रहे हैं। जैसा मैंने पहले कहा है कि मेरी सिमरन अंदर जा चुकी है, यानी जिनसे मुझे संवाद करना है, जिनसे डायलॉग्स करने हैं, जिनसे चर्चा करने है, तो मैं भी अब रवाना हो रहा हूं क्योंकि गाड़ी बुला रही है। तो अब गाड़ी के अंदर, और जैसे कि हमारे शो का कंसेप्ट ही है गाड़ी बुला रही है, और लगातार वोटर के मानस को भांपने की कोशिश करेंगे, मुद्दों की चर्चा करेंगे, चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। एक और खास बात कि सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी में लगे हुए हैं। इस ट्रेन की खास बात यह है कि तकरीबन 2000 किलोमीटर का सफर ये पूरे ट्रेन तय करती है, उत्तर से दक्षिण तक की ट्रेन आप इसे कह सकते हैं। हर किस्म के लोग इसमें बैठे हुए हैं, एक मिनी भारत पूरे इस ट्रेन में सफर कर रहा होता है। लेकिन हमारी कोशिश कि हम लोगों से बात करें जो मध्य प्रदेश के हैं, उनसे भी बात करें, तो कुछ लोग बैठे हुए हैं। मैम आप वोट करती हैं? करती हैं। कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी में है मैम आपका? हम लोग दिल्ली में जी? दिल्ली। ओके, दिल्ली से, दिल्ली के वोटर हमें मिले हुए हैं। किन मुद्दों को लेकर आपको लगता है कि इस बार वोटिंग होगी या क्या होगा? एजुकेशन, मेडिकल। एजुकेशन एंड मेडिकल। महंगाई भी आपको लगता है कोई मुद्दा? महंगाई। अच्छा, दिल्ली वालों के लिए कहा जाता है कि जो उनको फैसिलिटी देता है वो उसको चुनते हैं, ये सही है? अब अपने अपने वो उसकी विचार की बात होती है, हम लोग तो जी होल उसकी। और सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, आपको लग रहा है कि वो काम अगर आप उसे रेट करना चाहें 1 से 10 तो वो कैसे करेंगे, आप क्या नंबर देंगे? 10/10। 10/10 सेंट्रल गवर्नमेंट को? 10/10 नहीं। तो वो कॉन्फ्लिक्ट हमेशा एक कहीं कहीं रहता है कि आप किस नेता को कितने नंबर, लेकिन आज हम सिर्फ वोटर्स की बात करेंगे, उनके मुद्दों की बात करेंगे। सर किन मुद्दों पर वोटिंग होनी चाहिए? हर चीज को देखना चाहिए, लाइक जॉब, यूथ की जॉब जो होती है वो देखना चाहिए, अपन को एजुकेशन सेक्टर देखना चाहिए, हेल्थ केयर सेक्टर देखना चाहिए, लाइक इंडिया अभी मेडिकल में एम्स उसके 17 से 22 हो गए सेंट्रल इंडिया में। हर चीज को मतलब एक देखना चाहिए, तो एक डेवलप्ड इंडिया जो डेवलपिंग कंट्री बन रही है ना, तो हर उस सेक्टर को देखते हुए साथ वोटिंग होनी। अब लोग बोल रहे हैं जैसे कि धर्म भी एक बड़ा मसला है, राम मंदिर भी एक बड़ा मसला है, वो लगता है आपको? अपने अपने रिलीजन सेंटीमेंट से। ओके, अब अगर आप अपना जो मैनेजमेंट चला रहे हो आप ऐसे चलाओ कि उसको जिस किसी के रिलीजन में सेंटीमेंट्स भी हर्ट ना हो और आपका काम भी हो जाए, इट्स फार बेटर देन एनीथिंग। बट आपके लिए बेरोजगारी या एजुकेशन इन पर ज्यादा फोकस होना चाहिए आपके हिसाब से, आपके हिसाब से क्या मुद्दे होने चाहिए? मेरे हिसाब से वही जो बच्चों के लिए अगर जॉब्स आ रही है और रोड वगैरह हमारे डेवलप हो रहे हैं, मेडिकल लाइन में भी बहुत अच्छा कर रही है, डिफेंस में भी बहुत अच्छा है, इकोनॉमी भी बढ़ रही है, तो 10/10 तो मेरी तरफ से है सेंट्रल गवर्नमेंट को। 10/10 सेंट्रल गवर्नमेंट को। और इसी तरह के ही ओपिनियन है, हम मुद्दों हम मुद्दों को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश कर रहे हैं। आप वोट करते हैं? हाँ जी। करते हैं। हाँ जी। कहाँ पर वोट देते हैं आप? मैं दिल्ली में। दिल्ली में ही? हाँ। दिल्ली के वोटर हमें ज्यादा मिल रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर वोट होने चाहिए, क्या आपके मुद्दे होंगे? अच्छा है वैसे तो, पर वोट होने चाहिए। मैं एक एक बड़े मुखर वोटर मिले, ऐसे मुखर जो वोटर्स होते हैं वो कम मिलते हैं या शायद लोग आवाज कम देते हैं, क्या आपको लग रहा है कौन से मुद्दे होने चाहिए? मुद्दे यही है जी, रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है, बच्चे भटक रहे हैं, अभी पढ़ लिख के भी फायदा क्या है ये बताओ जी। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई जी। तो महंगाई पर तो लेकिन चर्चा हो नहीं रही है, विपक्ष भी उन मुद्दों को उठा नहीं पाता है। उठा रहे हैं, सभी उठा रहे हैं, कौन नहीं उठा रहा विपक्ष? अच्छा, क्यों नहीं उठा रहे? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस भी उठा रही है, सारी पार्टियां उठा रही हैं, लेकिन ये मोदी साहब तो अपना कान बंद करके पड़े हुए हैं। कान बंद करके पड़े हुए हैं।
निश्चित तौर पर ये आलोचनाएं भी सुननी चाहिए और इनका भी सम्मान होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या मुद्दे होने चाहिए? सर मेरे हिसाब से युवाओं के लिए रोजगार फर्स्ट ऑफ ऑल। आप सब कुछ ना देखकर आपको ये देखना चाहिए कि आजकल की जनरेशन बहुत आगे बढ़ चुकी है। आप बच्चों को किस चीज में डाल रहे हैं? सिर्फ राम मंदिर, ये सब सब नेता के जो भी बच्चे वो बाहर पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ का युवा किस चीज में लग गया है? छोटे छोटे बच्चों को देखो आप, झंडा लेके जा रहे हैं, जय श्री राम जय श्री राम। ओके, धर्म होता है, हर धर्म अपनी जगह है, लेकिन बेसिक चीजों पर भी फोकस हो, एजुकेशन रोजगार। धर्म सबको अपना अपना फॉलो करो, किसी के धर्म को लेकर कोई भी गलत बात नहीं करनी चाहिए। ऑब्वियसली हमें स्टडी मस्ट है हमारे लिए, स्टडी पे फोकस करें प्लस रोजगार, ये सबके लिए ही जरूरी है। रोजगार आजकल के बच्चे बहुत परेशान है, हम भी एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी निकले और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार प्राप्त। एक और बड़ी दिक्कत होती है, ये सभी राज्यों में है, इसमें ये बीजेपी कांग्रेस नहीं, लेकिन वैकेंसी निकलती है फिर स्टे लग जाता है, फिर वैकेंसी निकलती ऐसा। हाँ, आचर का जो नेट का निकलता है, टेट वगैरह का, उसमें भी कई बार ऐसा हुआ, एग्जाम निकला, एग्जाम दिया, देन रिजल्ट रोक दिया जाता है। कहीं आधे बच्चे कोई ले लिए जाते हैं जिन्होंने भरा भी नहीं है फॉर्म, हर जगह मतलब घोटाला ही चल रहा है। इसी बात से आप अंदाजा लगा लीजिए, एक युवा एग्जाम दे रहा है, फिर वो अगले एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, दो दो तीन तीन साल की कठिन मेहनत, और उसके बाद जब वो क्लियर करता है उस एग्जाम को तो पता लगता है किसी ने उस पर आपत्ति उठा ली। ये तमाम जगह है, इसमें पार्टी का कोई नहीं है कि किस पार्टी को किस कौन सा शासित राज्य क्या कर रहा है, ये ज्यादातर जगहों की समस्या है। दोनों ही राज्यों में समस्या, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह पर ये समस्या भी देखने में आई है। मुद्दों के बारे में थोड़ा सा बताओ, क्या मुद्दे आपके हिसाब से होने चाहिए? मुद्दे यही है, गांव में ग्रामीण सड़कें होनी चाहिए जो कच्ची पड़ी हैं, और बेरोजगार मिल जाए। अच्छा, सड़कों को अभी सरकार का कामकाज जो चल रहा है वो कैसा लगता है, केंद्र सरकार का? अभी तो देखो स्टार्टिंग है, अभी आगे पता पड़ेगा कि क्या होता है। आप भी वोट करते हैं जी? क्या मुद्दे होने चाहिए इस बार? मुद्दे हमारे महंगाई है, एजुकेशन है, हॉस्पिटल्स है, ये सारे हमारे मुद्दे होने चाहिए। बट इस पर तो पॉलिटिशियंस चर्चा नहीं करते हैं, ये पॉलिटिशियन की गलती है। पहले तो इसी चीज पर चर्चा करनी चाहिए, पहले इन्हीं सब पर चर्चा होनी चाहिए जी। और आपके हिसाब से एक बेरोजगारी को लेकर बार बहुत बड़ा मुद्दा है, अगर हमारे राज्य में, हमारे प्रदेश में अगर आज बेरोजगारी नहीं होती तो हम यहाँ से काम करने बाहर नहीं जाते। तो क्या वो मुद्दे उठाए नहीं जाते हैं या सुनते नहीं है राजनेता, क्योंकि लगातार जीत मिलते जा रही है बिना मुद्दों के, ये कैसे हो सकता है? उठाए तो जाते हैं मुद्दे, लेकिन उन मुद्दों को जबरन दबाया जाता है। अच्छा, किसी तौर से आप देखें तो दबाया जाता है, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कभी दंगा फसाद है, कभी राम मंदिर के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, उन मुद्दों को दबाया जाता है, जनरली उनको पकड़ा नहीं जाता, मतलब जिसको हम कहते हैं डायवर्शन। या एक जो बड़ी बात निकल कर आती है कि रोजगार अभी भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है सरकारों के लिए। इन्हीं मुद्दों को लेकर ये चर्चा भी लगातार हम कर रहे हैं लोगों से और जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या उनका मानस है। आप वोट भी करते हैं, क्या क्या मुद्दे होने चाहिए? वोट देते हैं ना, मुद्दे क्या होने चाहिए, क्या और करना चाहिए? और जो चल रहा है वो सब सही चल रहा है। अच्छा, आप लोगों के लिए कहा जाता है बड़ी फैसिलिटीज की बात कही जाती है, उस पे ट्रेन में ही बात कर ली जाए तो फैसिलिटीज बढ़ाई जाएंगी दिव्यांगों के लिए, वो लगता है बढ़ाना चाहिए क्या कहते हैं दिव्यांगों के लिए, क्योंकि दिव्यांगों को हर जगह समस्याएं होती हैं। और जैसे कि अभी काफी सारी सरकार ने क्या कहते कर दिया है, जैसे ब्रेल लगा दिया जगह जगह, ब्रेल LLP की प्लेटें लगा दी हैं हर जगह, लेटरिंग बाथरूम पे, डस्टबिन हो या किसी भी सीट के ऊपर हो। पर और काम होना चाहिए, एजुकेशन में भी होना चाहिए, नौकरी में भी होना चाहिए, टेक्नोलॉजी में भी बढ़ रहा है, थोड़ा और बढ़ना चाहिए ब्लाइंडों के लिए। अब तो बहुत सारी चीजें आ गई हैं सरकार के देखते हुए और आगे चल के और भी बढ़ना चाहिए। हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं आपको। जो विकलांग विभाग होता है ना, हाँ। उसमें पुलिस क्या करते हैं कि 100-100 रुपए ले लेते हैं यात्री से, हाँ। और उसमें भर देते हैं हमारे लोग अमाट में बोलो। अच्छा, नॉर्मल लोगों को लगा देते वहाँ। हाँ, आदमी जबरदस्ती घुस जाता है, ये भी एक अपने किस्म की समस्या है। इनका काम नहीं रुकना चाहिए भाई, पानी पहुंचते रहना चाहिए। नौकरी है, पुलिस वाले क्यों घुसाएंगे क्या कहते अपनी तरफ से। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए। ये दोनों जो जिनसे हम बात कर रहे थे, ये दिव्यांग हैं, ये देख नहीं सकते हैं, बट इनके पास जो विजन है वो शायद आम लोगों से ज्यादा है, देखने वाले लोगों से ज्यादा है।
जो उन्हें लगता है वो खुलकर बोलते हैं। तो सफर लगातार जारी है और गाड़ी बुला रही है। तो गाड़ी बुला रही है और इसी गाड़ी के जरिए इसके हर पहलू पर हम लोगों से चर्चा भी करेंगे, ट्रेन के अंदर भी, ट्रेन के बाहर भी। इस वक्त हम ग्वालियर पहुंच चुके हैं। सियासत में अगर गदर शब्द का इस्तेमाल करना हो तो वो ग्वालियर के लिए एकदम मुफीद बैठेगा ये शब्द। लेकिन सबसे पहले सुशील है हमारे सहयोगी, बहुत शॉर्ट में उनसे हम समीकरण यहाँ के समझ लेते हैं, किस तरह से लोकसभा क्षेत्र है। सुशील, बहुत शॉर्ट में समीकरण क्या है यहाँ के? देखिए ललित जी, ग्वालियर चंबल अंचल में चार लोकसभा की सीटें हैं, इन चारों पर ही भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। इससे पहले भी जो तीन सीटें थी वो बीजेपी के पास थी, सिंधिया कांग्रेस में थे तब वो गुना से सांसद रहते थे, पिछली बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस बार भी जो चार सीटें हैं, यहाँ बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत कही जा सकती है, हालांकि कांग्रेस भी कई सीटों पर टक्कर देने वाली स्थिति में है। लेकिन अगर कहें तो भाजपा की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे तमाम, नरोत्तम मिश्रा जैसे बड़े दिग्गज यहाँ पर है, उनका प्रभाव रहेगा। अगर कांग्रेस की बात करें तो निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह, उनके बेटे जयवर्धन सिंह, जीतू पटवारी सहित तमाम जो नेता है वो यहाँ जो राजवेश कर रहे हैं। तो एक पावर का बड़ा सेंटर, सियासत का जो लोकसभा का सालों से वो वही रहा है, निश्चित तौर पर ग्वालियर एक बड़ा सेंटर रहेगा घमासान को लेकर। मुद्दों की थोड़ी हम बात करना चाहेंगे, क्या मुद्दे आपकी नजर में होने चाहिए चुनाव के लिए? देखिए, ग्वालियर का जो राजनीतिक स्थिति है वो केंद्रीय लेवल पर और राज्य स्तर पर बहुत मजबूत स्थिति है, लेकिन उसने ही उलट जो है जहाँ के जो लोग हैं वो उतने ही परेशान हैं। सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, शैक्षणिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए हैं। मुद्दों का घमासान रहने वाला ये नजर आ रहा है, आपको भी यही मुद्दे नजर आते हैं या कुछ और भी है? नहीं, ग्वालियर में काम हो रहा है ऐसा नहीं, काम नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ से बड़े मंत्री जैसे कि ज्योतिराज सिंधिया जी हैं और पूर्व में अभी नरेंद्र सिंह तोमर जी भी रहे हैं, तो काफी काम ग्वालियर के लिए उन्होंने किया ऐसा नहीं है। और पहले माधवराव सिंधिया जी भी यहाँ से केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उन्होंने भी काफी रेलवे में काफी ध्यान दिया है। तो हो सकता है शिक्षा वगैरह में जरूर अभी थोड़ा सा पीछे है, लेकिन हो सकता है मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु बन सकता है शिक्षा के क्षेत्र में। मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु, आपके हिसाब से क्या मुद्दे और नेताओं से जब वो आएंगे तो किस तरह के सवाल आप करेंगे इस बार? ग्वालियर में सिर्फ विकास होना चाहिए, जितना ज्यादा हो अच्छे से अच्छा, हर सेक्टर में डेवलपमेंट होना चाहिए, हर सेक्टर में। आपके हिसाब से क्या मुद्दे, क्या कमियां जो नेताओं को पूरी करनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो अब शायद कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ है, क्योंकि गरीबों को राशन मिल ही रहा है, महिलाओं को भी अच्छी मदद हो रही है, ये तो कोई मुद्दा नहीं है अब। गरीबों को राशन मिल रहा है, मतलब गरीब है राशन, मतलब फ्री मिल रहा है। 80 करोड़ तो है, 80 करोड़ तो है, फ्री तो मिल ही रहा है, लेकिन उनको तो फ्री में अनाज मिलना चाहिए या एजुकेशन ऐसा हो जाए कि फ्री की नौबत ना आए? देखिए, जब एजुकेशन होगा तभी अनाज मिलेगा। अगर 2 किलो अगर गेहूं से और 5 किलो चावल से हमारा गुजारा हो रहा है, तो अगर ऐसी सोच के साथ रहेंगे तो हमारा, हमारे चंबल का और हमारे मध्य प्रदेश का भला नहीं हो सकता। क्योंकि लगातार जिस लोकसभा में इस बार जो मुद्दा रहेगा वो मेन रहेगा कि यहाँ बेरोजगारी। आप दोनों के हिसाब से, यंग भी हैं आप और रोजगार हमने महसूस किया है, वो तमाम बातें की जाए, एमएसएमई की बात कर ली जाए, सेक्टर स्थापना की बात कर ली जाए, ट्रेन में भी ज्यादातर लोग मिले जिनके लिए रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, आपके हिसाब से? देखिए, जाहिर सी बात है रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमें ग्वालियर में एक क्षेत्र हुआ करता था मालनपुर क्षेत्र, बड़ा औद्योगिक क्षेत्र हुआ था एक समय पे, वो धीरे धीरे यहाँ के लोकल पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से, नेता नगरी, रसूखदारी, इसकी वजह से वो बंद हो गया। तो सबसे पहले वो औद्योगिक क्षेत्र का पुनः विस्थापित किया जाए उसको। देखो, विकास तो हुआ है, इसको ना हम डिनाई कर सकते हैं ना इसको कोई लोग भी डिनाई नहीं कर सकता है, विकास हुआ है। लेकिन हमें स्वरोजगार उन्मुखी शिक्षा कि हम स्वरोजगार दे, इतना हम भी रोजगार दे सके, हमारा स्वयं का रोजगार हो, मतलब कि इतना सरकार इतनी नौकरी पैदा तो नहीं कर सकती है, लेकिन इस तरह की शिक्षा को सरकार को लाना चाहिए। क्या क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा क्या रखना, अभी हम लोगों को तो काम करना ही करना है, रोजगार इधर नहीं है तो उधर जाके ढूंढना। यही वोट यही करते हो आप? वोटिंग यही करते हैं। अच्छा, रोजगार के लिए बेंगलोर? रोजगार के लिए। और क्या कमी लग रही है आपको, क्या होना चाहिए? होने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन बोलने से कुछ भी नहीं होने वाला, हमारा कौन सुनता है इधर? हम सुन रहे हैं इधर रोजगार के लिए नहीं सुन रहा है कोई भी, तो आगे के लिए डिमांड क्या करना है? धीरे धीरे लेकिन डिमांड्स होंगी, और जब डिमांड्स होंगी तो वो वहां तक पहुंचेंगी जो डिमांड्स को पूरा करने की ताकत रखते हैं। जाहिर तौर पर अपने भी मन की बात होती है, वो करना ही चाहिए, अपने मन की बात पूरी कर ही लेनी चाहिए। आप भी वोटर हैं,
जी, क्या मुद्दे आपको लगते हैं होने चाहिए? यही है, डेवलपमेंट होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होना चाहिए, हेल्थ और एजुकेशन पे प्राइम तीन मेजर फैक्टर है, इन पे फोकस होना चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी इन पर फोकस है पूरा? फोकस है लेकिन बहुत स्लो है, इम्प्लीमेंट बहुत स्लो है। विपक्ष उठा रहा है, तर्क वितर्क कर रहा है लेकिन काम नहीं हो पा रहा है, रिजल्ट नहीं है, आउटपुट नहीं है। तो बीच में आम मिडिल क्लास फंसा हुआ है, बीच में इधर उधर के। ये एक मार्के की बात है, इसी मार्के की बात के साथ इस चर्चा को यहाँ रोकेंगे कि अपर क्लास और लोअर क्लास, इन सब के बीच एक मिडिल क्लास है जो ना जिसके पास सरकारी योजनाओं का लाभ है और ना वो अपर क्लास है कि उसे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ सोचना पड़े। तो सबसे बड़े रेल नेटवर्क में शुमार भारत और सबसे बड़े नेटवर्क में शुमार नेटवर्क 18, वो लगातार कोशिश कर रहा है ट्रेन के जरिए अपने वोटर्स के मिजाज को भांपने की। आपने देखा किस तरह से दिल्ली से ग्वालियर तक का सफर रहा, लोकसभा क्षेत्रों को लेकर चर्चा हुई, पूरे देश के वोटर्स से हमने चर्चा की। तो अभी ग्वालियर में हम छोटा सा विराम लेंगे और इसके बाद फिर शुरू होगा आगे के सफर का सिलसिला। तब तक मुझे यानी ललित प्रजापति और मेरे सहयोगी विपिन को दीजिए इजाजत। नमस्कार, शो जारी रहेगा, गाड़ी बुला रही है।